गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डे वेडनेसडे, डेट 21 जुलाई 2021, क्लास थर्ड, पेज नंबर आपका है 230, चैप्टर नंबर 4। बच्चे, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। नाउ इट्स टर्न फॉर दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या बताया गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस गो बैक टू द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। Which of the following steps are done by the software? Software का क्या काम होता है? तो कुछ steps है, आपको picture के through बताया जा रहा है कि भी software क्या काम करता है। ध्यान से देखिए, इस box में लिखा हुआ है input। इस box के अंदर देखिए लिखा हुआ है keyboard, mouse। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर next में लिखा हुआ है CPU। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसर, और ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेन। फिर लिखा हुआ है इस बॉक्स में आउटपुट। फिर इसमें लिखा है मॉनिटर, वीडियो कार्ड, प्रिंटर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मसल्स। हमारी बॉडी में सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्रेन भी होता है, हमारी बॉडी में मसल्स भी होते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर, आप वैसे आपको समझाने के लिए बताया हुआ है मसल, सेंसेस, ब्रेन, बट कंप्यूटर में इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इनपुट का मतलब क्या होता है। आपका कंप्यूटर ऑन कर लिया आपने, जब कंप्यूटर ऑन करने के बाद जब आप कोई भी अगर आप वर्ड पैड खोल रहे हो या आपने कुछ सॉल्व करना है, सम सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पुट किया 2, फिर आपने एड प्लस का निशान आपने कीबोर्ड में से देखा, फिर 2 आपने कीबोर्ड में से देखा, और आपने इक्वल 2 का निशान लगा दिया। ये कहने का क्या, आपको इसका वैसे आंसर पता है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। अगर आप कंप्यूटर में 2, फिर एडिशन का साइन, फिर 2, फिर इक्वल 2 का साइन पुट करते हो, ये जानने के लिए इसका आंसर क्या होगा। इट मींस क्या हुआ, 2 + 2 = आपने ये टाइपिंग करके कंप्यूटर में लिखा। इट मींस आपने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। इनपुट करने के लिए या तो आपको कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है। इनपुट करने के लिए आपको कीबोर्ड की या माउस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, जब आपने ये क्वेश्चन पुट कर दिया, आपने ये इनपुट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, सीपीयू, ये क्वेश्चन क्या करता है, सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू, सीपीयू का मतलब क्या होता है, ब्रेन। अगर हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन हम अपने ब्रेन में सोचेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हम अपने ब्रेन से सोचेंगे। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, जब उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से टाइपिंग करके या क्लिक करके, तो वो सीपीयू को अपना क्वेश्चन भेज देता है, जो उसका ब्रेन है, अपने ब्रेन के पास वो क्वेश्चन आ जाता है। जो ब्रेन जो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग का मतलब है, जैसे हम फोन में वीडियो भी देखते हैं तो गोल गोल घूमती है ना वीडियो, गोल गोल घूमती जब हम डाउनलोड करें, इट मीन्स प्रोसेसिंग चल रही है। जब वो ब्रेन क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर लिखा हुआ आ जाएगा 4। जब ये तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही थी। अगर हमारा कोई बड़ा डिजिट भी है, बड़ा वर्ड है, तो भी हम ऐसे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ब्रेन ने उसका क्वेश्चन जो सॉल्व करके, हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, हमारे पास उसका जवाब आएगा, हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट हमें कहाँ पे दिखाई देगा, मॉनिटर पे। वीडियो कार्ड का मतलब होता है जहाँ पे हमें वीडियो दिखाई देती है। मॉनिटर, जो मॉनिटर की स्क्रीन है, मतलब जो कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है ना, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होती है, हमें इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि हम इनपुट भी मॉनिटर के ऊपर ही करते हैं, करते ऊपर पे मॉनिटर के ऊपर ही है, बट हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड और माउस का। फिर वो अपना क्वेश्चन ब्रेन के पास चला जाता है,
जो हम कंप्यूटर का ब्रेन है उसके पास चला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन फिर उसको सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद वो आपका जो रिजल्ट है इस स्क्रीन के ऊपर ले आता है। इट मींस हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, हमें जवाब मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया। और वो रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई दिया, मॉनिटर पे। अगर हमें वो रिजल्ट पेज के ऊपर चाहिए, अगर वो तो वैसे तो हमें जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर रिजल्ट दिख रहा है, अगर हमें वो पेज कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में हमें दिखाई दे रहा है, मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसमें दिखाई दे रहा है, अगर हमें वो रिजल्ट एक पेपर में चाहिए, तो हम प्रिंटर का यूज करेंगे। प्रिंटर की हेल्प से जो भी कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होके जो आंसर होगा वो हमें प्रिंटर की हेल्प से पेज पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, पेज पे। किसकी हेल्प से, प्रिंटर की हेल्प से। मेन हम सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं, आप सबने आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो कहाँ होता है, सीपीयू से। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नेटवर्क, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। नेटवर्क कैसे बना, कहते हैं इनपुट किया, मतलब हमने कुछ पूछा, फिर सीपीयू ने उसको सॉल्व करके हमें आउटपुट दे दिया। इट मीन्स क्या है, एक तरह से हमारी बातचीत हो रही है। यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा था, फिर उसने सोचा इसका जवाब क्या होगा, फिर हमें जो उसका जवाब का जो आंसर मिला वो, इट मीन्स हमारे अंदर क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, मतलब बातचीत हो रही है। आगे देखिए, यस सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कर सकता है, यस कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग क्या होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे भी कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, तो वो लोडिंग चल रही होती, गोल गोल घूम रहा होता है, वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग और कैसे होती है, मान लो कोई भी काम करना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं, चपाती बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना पड़ता है, उसके बाद उसका पेड़ा बनाना पड़ता है, फिर ही हम चकले पे उसको बेलती है। मतलब उसका स्टेप्स है, करने की स्टेप्स है ना, चपाती बनाने की स्टेप्स है। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोसेसिंग करता है। पहले इनपुट करेगा, फिर वो सीपीयू में उसको सॉल्व करेगा, फिर वो हमें रिजल्ट देगा। इट मेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसिंग इट। ये क्या करते हैं, कहते यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है। कहते यूजर क्या करता है, इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना। क्या दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। आउटपुट का मतलब क्या, हमें रिजल्ट दिखाता है, कहाँ पे, ऑन दी मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर। आगे देखिए, द गेम्स दैट यू प्ले, जो भी गेम आप खेलते हो कंप्यूटर पे, एंड द प्रोग्राम्स दैट टीच यू न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। कहते हैं जो भी आप गेम खेलते हो कंप्यूटर में, जो गेम के अंदर जो जो हमें चीजें, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, आपके सामने आता रहता है, कोई ना कोई चीज पूछी जाती है। अब प्ले करें, अगर आपको नहीं खेलना, क्विट करना चाहते हैं, यस और नो, हर चीज पूछी जाती है ना आपसे जब आप गेम खेलते हो। कोई भी काम करे, अगर हम कंप्यूटर में और कोई काम भी कर रहे हैं, तो भी हमसे ईच एंड एवरी चीज पूछी जाएगी। अब इसको आप और चलाना चाहते हो, नहीं, यस और नो। कहते हैं जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलते हो, जो भी आपको सीखने को मिलता है, न्यू एंड इंटरेस्टिंग, न्यू मतलब नई, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प चीजें जो आपको सीखने को मिलती हैं, वो कंप्यूटर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कहते हैं टेलीविजन एक हार्डवेयर है। टेलीविजन का मतलब होता है टीवी। टीवी आपके सामने पड़ा है, वो हार्डवेयर है। बट द प्रोग्राम्स दैट यू वॉच ऑन इट आर सॉफ्टवेयर। कहते हैं जो भी आपके सामने सीरियल आ रहा है, कोई कार्टून आ रहा है, तो कार्टून, टीवी तो क्या है, हार्डवेयर। अगर उस टीवी चलता है, अगर टीवी चलता है, आपने कार्टून चलाया, कार्टून चलाया, शिनशन वाला कार्टून चला लिया आपने, तो वो आप जो शिनशन वाला कार्टून जो देख रहे हो, वो कार्टून जो देख रहे हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम है, सॉरी, वो टेलीविजन के अंदर वो एक प्रोग्राम है। जैसे अगर आपकी मदर सीरियल देखती है, वो भी एक क्या है, प्रोग्राम है। अगर आपको टीवी देखने को मिल रहा है, वो क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर। जो भी आप चीज टीवी पे देख रहे हो, जो भी आप कार्टून टीवी पे देख रहे हो, जो भी आप सीरियल टीवी पे देख रहे हो, वो सॉफ्टवेयर है।
अगर टीवी के अंदर कुछ नहीं चलता, ना कोई कार्टून चलता, ना कोई सीरियल चलता, सिर्फ टीवी है, तो वो क्या है? हार्डवेयर। अगर उसके अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कार्टून चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, दैट यू वॉच ऑन इट, वॉच मतलब होता है देखना, वो क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज प्रोग्राम या डिफाइन प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। प्रोग्राम क्या है? ऐसी लाइन वाइज एक इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को देता है। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।